और अब खबर बिहार से है बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया बिहार में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है इसमें केंद्रीय मंत्री समेत राज कई राज्यों के मंत्री शामिल हुए और इसका एकमात्र मकसद है बिहार में टूरिज़्म को बढ़ावा देना केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में जिस तरीके से पर्यटन को बिहार में बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किए जो ग्रांट्स दिए हैं इसके बाद बिहार में टूरिज़्म के ऊपर में जो फोकस है वो बढ़ गया है बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार हर स्तर पर काम कर रही है इसी के तहत राजधानी पटना में दो दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया भारत में इनबाउंड टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म दोनों की प्रबल संभावनाएं हैं जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पिछले 10 साल में हुआ है उसमें भारत में टूरिज्म सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलें और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से हुआ है उसमें भारत में बढ़ते हुए मध्यम वर्ग के कारण से टूरिज्म सेक्टर के लिए असीम असीम संभावनाएं होंगी ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कार्यक्रमों में देश के 15 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया बिहार के साथ भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने कई राज्यों में पर्यटन विभाग ने अपने स्टॉल भी लगाए इसके साथ ही नेपाल और भूटान के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में टूर ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट भी कार्यक्रम में शामिल हुए बहुत ज्यादा पोटेंशियल बिहार के अंदर है यहाँ तो गया जी में वो स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत केंद्र बन सकता है। का नए सिरे से प्रचार प्रसार होगा बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संभवतः पहली बार ऐसे किसी बड़े स्तर पर आयोजन को किया गया है इसके बाद समझा जा रहा है कि गया बोध गया जैसे बड़े पर्यटक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और इससे जो रोजगार के अवसर हैं उनका भी सृजन होगा डी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण और यहां रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए